हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सिलेबस को लेकर है, क्योंकि 30% सिलेबस जो हैं बायोलॉजी के या और भी सब्जेक्ट हैं उनके रिड्यूस हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो रिड्यूस होने के बाद फिर बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करनी है और क्या नहीं स्टडी करनी है, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट हमें स्टडी करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखिएगा, टोटल जो थ्योरी मार्क्स होता है हमारा वो 70 मार्क्स का होता है। ओके, आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, इससे 14 मार्क्स के ये होते हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स का होता है डियर स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओके, ये 12 मार्क्स का होता है डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 12 मार्क्स का होता है। तो इस तरह टोटल अगर हम करते हैं तो 70 मार्क्स की जो थ्योरी होती है वो हमारी होती है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन में हमें जो फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडी करनी थी वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या स्टडी करनी थी? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है। हमें दूसरा चैप्टर स्टडी करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स वो हमें स्टडी नहीं करना है। ओके, आफ्टर दैट फिर क्या स्टडी करना है? हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, फिर फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये स्टडी करना है हमें। आफ्टर दैट अब हम आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, तो यहाँ पे हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये भी स्टडी करना है हमें। ओके, अब नेक्स्ट अगर यूनिट में आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ये स्टडी करना है, ये हमारा चैप्टर है 11, और चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आते हैं तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होता है ये, और इसमें हमें स्टडी करना है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 15 जो है वो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, ये स्टडी करने हैं डियर स्टूडेंट्स। बस इतना ही स्टडी हमें करना है, इतने ही चैप्टर की स्टडी करनी है, यही हमारा सिलेबस है 2020-2021। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए। आफ्टर दैट अब अगर हम आते हैं प्रैक्टिकल्स पे, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल्स में वन मेजर एक्सपेरिमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स जो कि 5 मार्क्स का होता है। ओके, वन माइनर एक्सपेरिमेंट्स होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। स्लाइड प्रिपरेशन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है डियर स्टूडेंट्स। स्पॉटिंग जो होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा वॉक की बात करते हैं तो ये 4 मार्क्स का होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दैट अगर हम प्रोजेक्ट एंड इट्स रिकॉर्ड और वाइवा वॉक की बात करते हैं तो ये 5 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के होंगे डियर स्टूडेंट्स वो 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 70 का तो थ्योरी होगा और 30 का हमारा क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ग्रांड टोटल जो होगा वो 100 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं या जो स्पॉटिंग हमें करनी है उसकी ये लिस्ट दी गई है। ये कैटेगरी ए का एक्सपेरिमेंट है जो कि ए लिस्ट दिया गया है जिसमें एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो बी लिस्ट दिया गया है वो स्पॉटिंग का है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 to 6, यहाँ पे 5.6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2.3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.4 लिखा हुआ है। तो 5.6 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 5 और 6 ये जो हमारे हैं ये क्या है? मेजर एक्सपेरिमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स,
बात समझ में आई। अगर हम माइनर की बात करते हैं 2.3, तो 2.3 कहाँ पे है? 2.3 ये हमारे क्या है? माइनर एक्सपेरिमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारी जो बायोलॉजी है डियर स्टूडेंट्स, वो उसका जो ग्रांड टोटल है वो 100 मार्क्स का है। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं डिलीटेड जो चैप्टर हैं या डिलीटेड जो टॉपिक हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए डियर स्टूडेंट्स, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम डिलीटेड पोर्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिलीट हुआ है डियर स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में इवोल्यूशन, जो थ्योरी मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा था, अपलोड कर रहा था, इवोल्यूशन की थ्योरी, वो भी क्या हो गई है? डिलीटेड हो गई है डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट और क्या डिलीटेड हुआ है डियर स्टूडेंट? स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये डिलीटेड हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम, ये नहीं स्टडी करना है। और चैप्टर 16 जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ठीक है, जिसमें वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होती थी, तो इसकी स्टडी अब नहीं करनी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो डिलीटेड चैप्टर हैं, इनके बारे में भी आप स्टडी करते रहिएगा, इनके टच में रहिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं वो तो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो तो फाइनल है। 30% सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं वो नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में, बाकी तो और आएंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे, कम्पिटेटिव एग्जाम अगर हम देते हैं, तो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जरूरी हो जाता है डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप इन सभी चैप्टर को स्टडी करते रहिएगा, इनके कांटेक्ट में रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपका रिड्यूस जो सिलेबस आया है उस पे आप फोकस करें। हाँ, करिए फोकस, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा भी अटेंशन इस चैप्टर पे भी दीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम बुक की हेल्प से समझते हैं कि हमें क्या स्टडी करना है और क्या स्टडी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये स्टडी नहीं करना है हमें, ओके। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमें क्या करना है? स्टडी करना है डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट अगर हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी करनी है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इवोल्यूशन की स्टडी नहीं करनी है। आफ्टर दैट अगर हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसकी स्टडी नहीं करनी है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसकी स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में दोनों पोर्शन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसकी स्टडी हमें करनी है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इकोलॉजी की हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस की स्टडी करनी है, इकोसिस्टम की स्टडी नहीं करनी है। ओके, ये डिलीटेड सिलेबस है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की स्टडी करनी है, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज की स्टडी नहीं करनी है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा डियर स्टूडेंट्स, और आपको आंसर मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।